हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चल आफ्टर वन एम में। और आज हम आए हैं रामनगर के एक ऐसे जंगल में। आपको शायद याद हो या ना हो, एक मूवी आई थी, अजय देवगन भाई था उसमें, काल मूवी। काल मूवी का एक सीन होगा आपको, जो रामनगर में शूट की गई थी मूवी, और उसी रामनगर के जंगल में हम आज आए हैं। और ये रोड आप देखिए, हम इस जंगल में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, वो हमारे भैया हैं संजय भाई, वो आपको इसकी स्टोरी बताएंगे। भैया प्लीज़ आइए, यहाँ की स्टोरी क्या है भाई साहब? भाई साहब, जैसे कि हम आपको बताएं कि क्या होता है कि हमारा नदी का काम चलता है यहाँ पर जी, और मेरा गांव भी यहीं पास में ही है। तो क्या है कि इस रस्ते से हमारा आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो पिछले कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अजीब गरीब हरकत हो रही है। मतलब क्या कह सकते हैं कि आते जाते हुए थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं कि गलत ही हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो रही है, आवाज़ें वगैरह, डर वगैरह आपका? मतलब होता है ना कि हम नॉर्मली रास्ते में चल रहे हैं, कोई फील नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ जाए तो डर का एहसास होता है। अच्छा, तो इसीलिए हमने आपको भी याद किया कि इसको ज़रा जी जी बिल्कुल देखो कि क्या है। तो हमारे एक भाई साहब हैं, हम आपको उनसे मिलाते हैं जी। तो उनके साथ कल कुछ ऐसा ही हादसा हो गया था, तो इसीलिए आज आपको स्टॉल में बुलाया है यहाँ पर, तो आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे काली भाई हैं, ये आपको बताएंगे सारी बात। इनके साथ तो कुछ ऐसा ही कांड हो गया था, ये आपको याद किया था। ये तो जैसे कि भाई साहब ने बोला कि इस समय में जो घटनाएं होती हैं, आप तो यहाँ रहते हैं, क्या सब वाकई है यहाँ पे ऐसा कुछ? आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़, कोई आत्मा, कोई ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि बता रहे हैं भाई साहब कि इनको फील हुई, तो होता है क्या, वाकई है ऐसी चीज़? मैं तो ऐसी चीज़ों को नहीं मानता कि कोई आत्मा हमें दिख जाएगी, तो क्या ये चीज़ है, देख सकती है मुझे आत्मा? ये जंगल सारा अपना जी, पूरा जंगल अपना जी। आपको क्या देखना है? मुझे आत्मा देखनी है, जो ऐसी एक्टिविटी जंगल की होती है, मुझे वो चीज़ देखनी है, मैं वो चीज़ देखने यहाँ पर आया। क्या आप मुझे दिखा पाएंगे उसकी? हाँ जी साहब। तो आज भाई साहब ने बोला कि ये हमें ऐसी चीज, आत्मा या कोई भूत दिखा रहे हैं, तो देखते हैं लोकेशन पर, देखिए हमें आज क्या मिलता है। डिवाइसेस तो मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ, क्योंकि डिवाइसेस की मुझे यहाँ पर लगता नहीं कि ज़रूरत है। हम आज ओरली देखेंगे अपनी आंखों से, और आपको भी दिखाएंगे कि वाकई ये सब चीज़ें होती हैं और कैसी होती हैं। आइए, आपको दिख रहा है भाई सब कुछ? मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। हमें भी दिखाइए आपको क्या दिख रहा है। ये जंगल है भाई साहब, यहाँ सब कुछ दिखेगा। हम भी देखना चाहते हैं, हमने भी अपनी आंखों से कभी देखा नहीं, तो हम भी देखना चाहते हैं कि क्या आपको दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। मैं सुनाता हूँ मैं कहानी, बताइए। आज से 15 साल पहले एक मूवी की शूटिंग थी रामनगर में। कौन सी? काल मूवी की शूटिंग थी। अच्छा, काल मूवी की। अच्छा हाँ, उस दौरान की घटना है भाई साहब। 5 लोगों की हत्या हुई थी। 5 लोग की हत्या हुई थी यहाँ पे इस जंगल में? समझने वाले को हत्या समझो या फिर किसी जानवर का कहर।
सुनना चाहते हो कहानी? हाँ सुनेंगे हम कहानी, बैठे तो बैठते हैं। भाई साहब ने बैठने को बोला है, अब बैठ के कहानी सुनते हैं। जैसे तुम थे वैसे वो थे। वो कौन? बड़े दूर से आए थे परदेसी। एक एक करके सबको सबके जगह पर पहुंचा दिया। किसने लिखा? नहीं देख पाओगे साहब, दिख तो काली है, काली को ही दिखेगा। हमें भी देखना है ना, हम कैसे बात माने आपकी, आपकी बात पर हम कैसे विश्वास करें भाई? आपकी बात पे भरोसा कैसे करें हम, ये बताइए ना मुझे। जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ आत्माएं हैं, वहाँ कोई चीज है। यहाँ कुछ था साहब, सबको दिखेगा लेकिन एक वक्त के बाद, एक वक्त आने के बाद सबको दिखेगा। पेड़ पे उधर ध्यान से देखना, पेड़ के पास जी कुछ दिखाई देगा तुम्हें। लाल लाल लाइट चमक रही है ना, मैं सर आपको देख रही हूँ लाल लाइट। हाँ लाल लाइट है। कहाँ? पेड़ पे। हाँ। नहीं क्या चीज है? पता नहीं क्या चीज, लाल लाइट। क्या क्या होगा? अंदर जाके देखें, देखें एक बार। क्या है चीज़? ये तो काली भाई बता सकते हैं अंदर क्या है। क्या है? क्या क्योंकि हम चाहते हैं कि है। कोई चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए हमारे भी आज। पूरी रात काली है। बिल्कुल पूरी रात अपनी है। चल लाइट तो बंद हो गई है। वो लाइट तो गायब हो गई वैसा। नजदीक से सिर्फ मैं देख सकता हूँ। वो जो आंखें थी वो हमें आंखें नहीं दिख रही हैं। और भाई साहब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में इतने जानवर भी होंगे और हो सकता है कि कुछ भी है, क्योंकि जंगल है, जंगल में सारी चीज़ होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद आप यहाँ पर अभी कैसे रह रहे हैं? क्योंकि सारी बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी हमने खुद देखी अपनी आंखों से, उसके बाद भी आप यहाँ पर रह रहे हैं और आपने पूरा हमें जंगल घुमा दिया, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। 15 साल हो गए साहब। 15 साल से आप जंगल में हैं, तो बताया भाई साहब ने कि 15 साल से जंगल में ही रह रहे हैं, तो मामूली सी बात है जंगल। और 15 साल पहले मेरी मौत भी हुई। क्या हिमांशु ठीक हो रहा है? हिमांशु काली भाई, काली भाई, काली भाई, हिमांशु 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 काली भाई कहाँ गए? अरे रुको मुझे तो ले जाओ। चलो काली भाई यहाँ पे, काली भाई यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? भागो अरे भैया, अरे मुझे उठाओ, अरे जल्दी उठाओ, मुझे वो मुझे पकड़ा भाई, मुझे कोई पकड़ ला, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। तीसरी आत्मा ने, काली भाई तीसरी आत्मा ने अपना छाया बना लिया। अरे इनको इनको उठाओ यार,
काली भाई प्लीज उनको बचा लो, काली भाई प्लीज उनको बचा दो, प्लीज प्लीज बचा लो इनको। कितना भाई उठो दादा उठो, जाओगे इनको। ठीक हो उठो, अरे क्या हुआ काली भाई, क्या हो गया इनको? अबे मैं अकेला भी हूँ यहाँ पे यार इनके साथ। अबे काली भाई, काली भाई ये हमारी एक्टिंग कैसी लगी आपको ये भी बता दो, बता देना एक्टिंग और चैनल। भाई संजय गोस्वामी फ्रॉम छोई रामनगर, कृष्णा भाई हल्द्वानी से, संजय भारद्वाज रामनगर। पहली बार काली बार एक्टिंग करी है। और ये जो वीडियो है वैसे आप सभी लोग जो जानते हैं कि हम इस काम को फेक कर मतलब फेक दिखाया हमने ये सब, और एक्टिंग बतानी कैसे करी क्योंकि फर्स्ट टाइम करी, अच्छी लगी हो तो बता देना। क्या इसको डेलीगेट करी है, इसके लिए करी है वो भी आप जानते हैं। ऐसे जो फेक चैनल है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो ऐसा भूत दिखा रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध तो है हम भी उनको दिखा सकते हैं, नहीं दिखा हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है, करते नहीं सही बात है, हम कर सकते हैं हम करते नहीं है, इसलिए सच ही दिखाओ क्योंकि सत्य मेव जयते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तुम्हारा डायलॉग हो जाए, मैं तो 15 साल पहले ही मर चुका हूँ। काली नामे साहब 15 साल पहले ही मेरी मौत हो चुकी है।